इस्लाम में इबादत कैसे कहा जाता है। सबसे पहले ये बात सुनकर लगती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। इंसान को पैदा फरमाने के बाद उसकी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए, उसके वजूद को कायम रखने के लिए तरह तरह के जिंदे पैदा फरमाई और इसके साथ साथ इंसान के ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आई थी। और वो जिम्मेदारियाँ जो अल्लाह ताला की तरफ से आयद कर रहे हैं वही इबादत है, वही अकबाद ही इंसान को अल्लाह की इबादत पर मजबूत करते हैं और इंसान को अल्लाह की इबादत पर लगाते हैं। अगर हम इस लिहाज से सोचें तो इंसान और जिन की तख्लीक का मकसद फकत क्या है कि वो अपने रब की इबादत करें। अब इबादत क्या है और बिलखसूस इस इबादत में नमाज भी आएगी, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, ये इस्लाम के तमाम तमाम अरकान हैं, ये इबादत है। असल में अपनी ज़िंदगी को उस अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का नाम क्या है, इबादत है। समझा कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का नाम क्या है, इबादत है। उस इबादत में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वा मा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और उस इबादत की आला तरीन सूरत क्या है, नमाज। तो ये क्या है, नमाज। नमाज क्या है, फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब है यकसू होकर सही तवज्जो के साथ कोई काम सर अंजाम देना। अरबी में मतलब सलात है, उसका यह हम माना लफ्ज है। अब हम सबसे पहले देखेंगे नमाज का, मखसूस औकात में मखसूस तरीके से सर अंजाम देना क्या कहलाता है, नमाज कहलाता है। इस्तेला में जितना मतलब है इसका क्या मतलब है, छोटा तौर पर सब काम करना मखसूस मखसूस तरीके के साथ अंजाम देना क्या कहलाता है, नमाज। इसकी मिसाल हम समझिए कि मखसूस आमाल को मखसूस औकात में मखसूस तरीके से सर अंजाम देने का नाम क्या है, नमाज है। मखसूस आमाल को मसलन नमाज में कौन सा करते हैं, क्याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं,
बैठती है इतनी आराम से, तो फिर क्या वजह है? वहां पर ये उठना बैठना झुकना ये नमाज कहलाता है, इबादत कहलाता है। हाँ माना मुझे मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप क्यों जो बैठ कर देख रहे हैं, क्या हम ये नमाज अदा करते हैं? नहीं, हम नमाज अदा नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि मखसूस आमारों को अब ये अमल है, खड़ा होना बैठना दाएं बाएं देखना, तो वो क्या चीज़ है जो वहाँ पर खड़े होने को बैठने को झुकने को दाएं बाएं देखने को नमाज पढ़ा देती है, आम हालत में नमाज पढ़ा देती है, तो उसका उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मखसूस वक्त भी है। अब अगर कोई शख्स इस वक्त कहे कि मैं आप ईद उल फितर का आगे चाहता हूँ, मैं दो अरबा ईद उल फितर पढ़ना चाहता हूँ, उसे कहेंगे भैया तो इंसान पर इस तरीके से नमाज नहीं अदा की जा सकती, क्योंकि उसका एक मखसूस टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान ही आप उस नमाज को अदा कर सकते। हाँ कज़ा नमाज अदा नहीं कर सकते, कज़ा नमाज वो नमाज जिसके साथ नफल होते हैं उसमें आप जो मर्जी नमाज कज़ा करते हैं कज़ा कर सकते हैं, लेकिन अदा सिर्फ और सिर्फ उसी नमाज के वक्त को मुझे अदा करना ज़रूरी है। मसलन आप ज़ोर का टाइम शुरू हो चुका है, अब अगर कोई शख्स है तो मैं आप ईशा की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, कज़ा तो पढ़ सकता है अदा नहीं कर सकता, समझ आए? तो ऐसे अमाल जो मखसूस अवकात के साथ लगे रहते हैं, ज़ोर से असर का कमर है, असर से बदल का कमर है, बदल से ईशा का कमर है, ईशा से फजर का कमर है, फजर से ज़ोर का कमर है, ये जो सब तक जो है चल रहा है, तो मखसूस अवकात के मखसूस अमाल को सर अंजाम देना, मखसूस तरीके से सर अंजाम देना, हाँ ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तो अगर कोई शख्स पाए खड़े होकर गली में कहे कि बस मैं दाएँ देखो बाएँ देखो इवन तरफ कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से मैं सर अंजाम दे रहा हूँ बेटा, ये बात ध्यान रखिए कि नमाज जो है ये बहुत अहम तरीन इबादत है, नमाज अहम तरीन इबादत है। इस नमाज की अदायगी के बगैर न तो हम सही तौर पर मुसलमान कहला सकते हैं, न ही अमली तौर पर इसका कुछ हमें वो फ़ायदा होगा। फ़ायदा तभी होता है जब हम नमाज से अदा करें। इस्लाम के अकाम जितने अरकान हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सजदा करते हैं, नमाज के अलावा हम सारे नमाज से नमाज देते रहे, सजदों में सजदे करते रहे, लेकिन अगर हम नमाज नहीं अदा करते तो फिर अल्लाह का कुछ नहीं होगा। और नमाज जो है ये वो इस्लाम की पहचान है, तो इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नमाज आशी तमाम का लफ्ज़ है, दौरान तमाम के लफ्ज़ सलात के मामले हैं, और मखसूस अमाल को मखसूस औकात में मखसूस तरीके से सर अंजाम देना क्या करता है? नमाज का करता है। अब हम इस नमाज के साथ अंतिम जो रिलेट करते हैं वो क्या है? नमाज की अहमियत। नमाज का मखसूस कहने के बाद अब हम देखेंगे नमाज की अहमियत, नमाज की अहमियत ये दूसरा क्वेश्चन है। तो नमाज के लिए क्या इस किस्म का क्वेश्चन हो याद है, तो सबसे पहले आप कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान की रोशनी में जो है देखेंगे, फिर हदीस की रोशनी में देखेंगे। अगर वो सवाल पड़ा है अगर आपको कोई उसके बारे में कोई शिकायत याद है या उसके बारे में किसी इमाम का कौल याद है किसी सहाबी का कौल याद है, तो आप उसको जो है वो नोट कर सकते हैं। बाकी आप नमाज की अहमियत देखिए, तो नमाज की अहमियत कुरान की रोशनी नमाज के लिए कुरान की रोशनी है। कुरान हमसे क्या बता सकता है? कुरान में सबसे पहले आने वाला बात यह है, वह अलग तो जितना मन सरिंदा ज्ञान हो जो अल्लाह का निशान बनाता है, अल्लाह का बनाते हैं मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ पैदा
दो चीजें जो है आपने संरक्षण के बल पर करना पड़ेगी। ये 700 के करीब आयात कई बार अल्फाज ऐसे हैं जो नमाज के लिए कृपया उन्होंने तवज्जो हमारे ऊपर मंजूर करा दिए हैं। नमाज के कुरान के विषय में सिर्फ दो आयत का बल मना कहता है, वही आपको नोट होते कि नहीं, जिन्हों और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए आया करता है। दूसरी आयत क्या है, अकीम उसना का बड़ा कानून मिले मुश्किल की नमाज कायम करते रहो, नमाज पढ़ते रहो और मुझे तुम्हें से न होना बड़ा कानून मिले मुश्किल। अब हम हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सबके इरशादात के आगे देखेंगे तो नमाज की अहमियत हदीस की हो चुकी है। नमाज की अहमियत हदीस की रोशनी, इसमें क्या दो हदीस देखेंगे। आप सब मक्का वसल्लम क्या चाहते हैं कि नमाज की अहमियत से सुनते हैं, जिसमें इसे कायम रखा उसने पूरे दिन को कायम रखा, जिसने उसने पूरे दिन को जी। तो सफाई बाबा शास्त्र ने पूरे दिन की पहचान क्या कराती है, नमाज वो है जो नमाज पढ़ता रहता है, जो नमाज कायम करता है, उसने पूरे दिन इस्लाम को कायम करने की कोशिश की, तो सिर्फ एक नमाज नहीं अदा करता, उसने बोला पूरे दिन को सहाय करता है। आप सब ने एक और नाम इरशाद फरमाया, दूसरे हदीस में और इरशाद फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाला, फर्क करने वाली चीज नमाज है, के मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है, नमाज है। यदि वो नमाज अदा करता रहता है तो वो है इस्लाम के दायरे के अंदर है, और जो नमाज नहीं अदा करता तो वो है इस्लाम को छोड़ चुका है। बेटा आप भी जरा गौर करें, इन आयात पर हदीस को पढ़ने की कोशिश करें, बार बार समझने की कोशिश करें, तो अब आपकी उम्र भी या 10 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आपके नमाज फर्ज है। आप वीडियो गेम्स, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट वगैरह पर या वह दोस्तों के साथ साइकिलें या घरों में आप खेलते रहें या अपने घर के कामों में जो है दोस्तों के साथ खेलते रहें, और आप जो नमाज पढ़ा भी करते तो सर आप सोचें आप कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो शख्स नमाज को छोड़ देता है तो क्या अपने दिन को ज़ाया कर दिया। फिर इरशाद फरमाया कि जो नमाज पढ़ता रहता है तो इस्लाम के दायरे के अंदर रहता है, और जो नमाज नहीं अदा करता वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। इसी तरह ऐड कर सकते हैं कि नमाज पढ़ते हैं और मुश्किल कैसे मतलब होया, जो नमाज पढ़ता रहता है वो मुसलमानों के दायरे के अंदर रहता है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो बशरों के साथ में चला जाता है। अब आप खुद सोचें कि मैंने कौन सा कर्तव्य मैंने इख्तियार करना है, क्या काफिरों का मतलब इख्तियार करना है, मुश्किल का कर्तव्य मैंने इख्तियार करना है या मुसलमानों वाला, मुसलमानों वाला कर्तव्य मैंने इख्तियार करेंगे। तो इससे मुराद यह है कि अपनी नमाज की पाबंदी कभी होगी, अपने औकात को कीमती बनाइए। नमाज सुबह का टाइम होने वाला है, आप यकीन आपसे जिम्मेदारी है कि आप अपने घरों में जो नमाज का जमात अदा करें। इसी तरह फिर असर की नमाज का वक्त होगा, मगर की नमाज का वक्त होगा, या ईशा और फिर फजर की नमाज का वक्त होगा, तो अपने भाई अपने वालदैन उनमें से किसी को जगा लें और अपने मस्जिद के साथ तरफ घर को ले जाएँ और नमाज का जमात अदा करने की कोशिश करें। अगर आप इन मौसम में इख्तियार करेंगे घर की मम्मी हैं, आपकी बाजी हैं, आपकी भाभी हैं, आपके फुप्पू हैं, तो इन लोगों को भी मिलाकर जो है आप नमाज अदा करने की तरकीब बना सकते हैं। अगर आपको मस्जिद से जाने से डर लगता है और वहाँ पर जो है मुश्किल है आपके लिए, तो कम से कम घर में नमाज अदा करने का जो है वो तरकीब बना लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि नमाज की अहमियत आपके जिंदगी के दर्द तक पहुँच जाएगी। तो बेटा इस आज के लक्ष्य को आपने जहन में अदा कर लिया होगा, नमाज का वक्त में लाने के बाद दूसरे लक्ष्य में नमाज के लिए, क्योंकि नमाज का वक्त 60% कम का होगा और नमाज की अहमियत कुरान की रोशनी में, नमाज की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा और आज के इस लेक्चर को सुनना भी है,
समझना भी है और अमल भी करना है। अभी से कोशिश करिए कि आज के बाद मेरी कोई नमाज ज़ाया नहीं होगी, नमाज कसा नहीं होगी। फिर आप देखेंगे कि नमाज आप पंक्चुअल करवाएगी, नमाज आपके कपड़े साफ सुथरे रखेगी, नमाज के वजह से आप अपने सेहत को बेहतर बना सकते हैं, नमाज के हिस्से से और नमाज की वजह से आपके तमाम काम एक टाइम पर एक टाइम टेबल के मुताबिक अदा होंगे। तो कोशिश करें कि नमाज का व्यवहार अदा करें और अपने काम से अदा करें। इन शिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इस्लाम के दीगर इबादत को जो है वो एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।